विशेष मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एंटी रोमियो दल को साथ लेकर मुरादाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों एवं काशीपुर बस स्टैंड पर प्राइवेट बसों के ऊपर मिशन शक्ति विशेष अभियान के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं के नारी सम्मान, सुरक्षा एवं नारी स्वावलंबन संबंधित पोस्टर चिपकाए गए। इसी मौके पर ARM मुरादाबाद संदीप नायक ने कहा कि परिवहन निगम के चालक एवं परिचालकों को महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूक कराया जा रहा है, जिससे सफर के दौरान किसी महिला या बालिका को कोई समस्या ना आए। इसी के चलते पुलिस चौकी रोडवेज पर ऑटो पर मिशन शक्ति विशेष अभियान के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं के नारी सम्मान सुरक्षा पर ऑटो में बैठी महिला यात्रियों को प्रभारी एंटी रोमियो दल बालेंद्र सिंह एवं उनकी टीम ने ऑटो से यात्रा करने के दौरान होने वाली छेड़छाड़, ऑटो चालक द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर 112 व 1090 पर शिकायत दर्ज करने की जानकारी दी। पवन त्यागी, यातायात निरीक्षक, ने बालिकाओं को सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाने एवं किसी भी महिला बालिका के साथ अन्य किसी सवारी द्वारा किसी के अभद्र व्यवहार पर किए जाने पर चौराहे पर खड़े यातायात कर्मी से बिना किसी झिझक के अपने बारे में बताएं। इस मौके पर ARTO अंबुज कुमार प्रवर्तन, छवि सिंह चौहान ARTO प्रशासन, संदीप नायक ARM मुरादाबाद डिपो, होरीलाल वर्मा यात्री मालकर अधिकारी, पवन त्यागी प्रभारी यातायात निरीक्षक, बालेंद्र कुमार प्रभारी एंटी रोमियो दल, ज्योति सिंह SI एंटी रोमियो दल, श्रद्धा शर्मा, किशन लाल सिंह, कपिल रस्तोगी, साजिद अली, इमरान सिद्दीकी, अमित गुप्ता, मुकेश गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। मिशन शक्ति अभियान चल रहा है तो परिवहन निगम की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है महिलाओं को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से, ये विशेषकर सभी लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है। जो भी हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए जो भी रोडवेज की तरफ से हमारे जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उनको हम बता भी रहे हैं, और साथ ही साथ में चालक परिचालकों से ये भी समझा रहे हैं कि महिलाओं से और विशेषकर बच्चियों से और बूढ़ी महिलाओं से बहुत अच्छे से व्यवहार करें। उनको यदि बस में जगह नहीं है तो पुरुषों को उठाकर उन्हें बैठने की व्यवस्था कराएँ, और बस यही चल रहा है हमारे यहाँ, और कोशिश की जा रही है जो भी नारी के उत्थान में किया जा सके उसे करें हम लोग। प्रदेश सरकार द्वारा 26 फरवरी 2021 से 8 मार्च 2021 तक मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न विभागों द्वारा कराया जा रहा है। उसी के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा पुलिस विभाग के सहयोग से एवं शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न NGO के सहयोग से हम लोग मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और जिसके अंतर्गत आज दिनांक 28 फरवरी 2021 में हम लोग रोडवेज की बसेस और प्राइवेट बसेस और ऑटो, इन सब के जो संचालित हो रही हैं उन पे हम लोग मिशन शक्ति के स्टिकर्स, पोस्टर्स और हैंडलीफ के वितरण द्वारा हम लोग मिशन शक्ति कार्यक्रम के संदर्भ में जागरूकता पैदा कर रहे हैं और नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। हम सारे महिलाओं से सबसे पहले ये निवेदन है कि अपने अंदर के जो शक्ति है, अपने उसकी अपनी क्षमताओं को पहचानें, उसको जो दिन प्रतिदिन उसको विकसित करें, सशक्त बढ़ें, निर्णय लेने के अधिकारों को और बढ़ाएं। साथ ही साथ पुरुष समाज से ये निवेदन है, ये उनसे अनुरोध है कि अपने यहाँ की महिलाएं, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, माँ हो, उनको आगे बढ़ने के लिए उनके सहयोग करें और उनको अवसर प्रदान करें। धन्यवाद।